हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रोटवालर के बारे में, कि रोटवालर को किस लिए बनाया गया था, कैसे ये डॉग ब्रीड लुप्त हो गई और कैसे आज के टाइम पे इतने ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे लोग जो है मस्कुलर डॉग चाहते हैं, और क्यों इतना रोटवालर को लोग पसंद करते हैं एज अ गार्ड डॉग की तरह, एज अ मस्कुलर डॉग की तरह। और ऐसे ही पॉपुलर डॉग ब्रिड जैसे कि जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और डॉबरमैन के ऊपर वीडियो बना के रखी, तो ये वीडियो होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन में आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। रॉटवालर के ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन जर्मनी से है, और इसे जैसे कि निक नाम से जाना जाता है, रोटी, रॉटवालर, रोट, ऐसे सारे नामों से इन डॉग ब्रिड को जाना जाता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रॉटवालर। इन डॉग ब्रीड को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि भेड़ों बकरों की सुरक्षा कर सके, उनको चराने में ये डॉग ब्रीड मदद कर सके, और उसी के साथ साथ जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा पाने के लिए भी रॉटवालर का ज़्यादा यूज़ करते थे। और उस टाइम रॉटवालर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड थी और इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और उसके साथ साथ इनको जो है काट खींचने में भी मदद करते थे, अपने सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। बट जो मिडल ईस्ट का टाइम आया था, तब जो रेलवे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे टेक्नोलॉजी का, तभी ये डॉग ब्रीड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई, और धीरे धीरे ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गए। बट थोड़े समय बाद फिर से ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आई, बहुत सारे लोग इसे डिमांड करने लग गए, अपने साथ रखने लग गए एज अ गार्ड डॉग की तरह, सुरक्षा के लिए पुलिस में, आर्मी में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया धीरे धीरे, और ऐसे ये डॉग ब्रीड आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। रॉटवालर डॉग ब्रीड को लोग ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, और जब भी मुसीबत आती है अपने ऑनर के लिए काफ़ी अच्छे से खड़े रहते हैं और उनको सुरक्षा भी देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसे एज अ गार्ड डॉग की तरह रखते हैं अपने विलेज में, घर में, सुरक्षा के लिए। और ध्यान से आपको बता दूं, जैसे कि रॉटवालर को जो आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसे नहीं रखना चाहिए, बट ऐसी बात नहीं है। अगर पहले से आप इन्हें सोशलाइज ट्रेनिंग, बच्चों के साथ, अदर डॉग के साथ सोशलाइज करते हो, इनका ध्यान रखते हो, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रखते हो, तो डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए भी आप इसे बोल सकते हो, और बहुत सारे लोगों के पास है भी। इन डॉग ब्रीड की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इसके कारण आप नहीं खरीद सकते। इस डॉग ब्रीड के जो प्राइस होती है वो 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, तो 22-25,000 तक जाती है, डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का ले रहे हो, और विद पेपर ले रहे हो या विदाउट पेपर ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता हो। मेल फीमेल ले रहे हो उसमें भी प्राइस का आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जैसे कि रॉटवालर का कोट होता है वो शॉर्ट कोट होता है, इसलिए ज़्यादा लंबे बाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप जो है घर में भी अगर ब्रशिंग वगैरह करते हो तो भी इसे आप मेंटेन रख सकते हो। और जैसे कि शेडिंग का टाइम आया तब भी आप अगर ब्रशिंग वगैरह करते हो तब इनके खाली आपको थोड़े बहुत बाल देखने को मिलते हैं, वरना नॉर्मली आपको अगर ब्रश करते हो तो कोई बाल देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK में रखना चाहिए, तो आपको बता दूं 1 BHK में आप इसको बिल्कुल भी नहीं रख सकते, आप 2 BHK, 3 BHK में रख सकते हो, और वो भी आपको डेली वॉकिंग पे 2 टाइम उसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका शरीर होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, काफ़ी स्ट्रांग और मस्कुलर होते हैं, उसके कारण आपको इनको आराम से 1 या 2 रूम में आपको कम से कम इन्हें चाहिए ही चाहिए घूमने फिरने के लिए। तो अगर आप डेली वॉक पर ले जाते हो तो आप 2 BHK या 3 BHK में इसे रख सकते हो। अगर आपका नीचे का घर है, फार्म हाउस है, तो वहाँ पे तो बढ़िया रहेगा। ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों के साथ अगर आप रखते हो तो कोई बड़ा वहाँ पे होना ज़रूरी है, और इन्हें ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आप लाते हो इन्हें ट्रेनिंग नहीं देते, सोशलाइज नहीं करते तो ये अच्छे से रहेगा, तो फिर ये आपको ध्यान रखना थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकता है, इसलिए ध्यान जितना हो सके उतना आप ट्रेनिंग, सोशलाइज इन्हें ज़रूर से दें। और अगर आपको आपको एक सिक्योरिटी के लिए चाहिए, ऐसा एक अच्छा गार्ड डॉग चाहिए जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके घर की सुरक्षा कर सके, या फिर आपका सामान है वहाँ पे आपको ऐसा डॉग ब्रीड चाहिए जो सामान की सुरक्षा कर सके, वहाँ पे कोई आ ना सके, तो ऐसे टाइम पे आप जो है 2 रॉटवालर भी रख सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ध्यान रखना इनके खाने पीने पर थोड़ा बहुत आपका खर्चा आ सकता है क्योंकि स्ट्रांग है, इनका डाइट भी अच्छा आपको होना ज़रूरी है, आप जितना हो सके उतना अच्छा डाइट दो, अच्छे से इनकी केयर करो, तो आपके लिए रॉटवालर काफ़ी सही रहेगा। बट एक बात आपको फिर से बता दूं, इनको ट्रेनिंग और सोशलाइज की सख्त ज़रूरत होती है। तो गाइस, आशा करता हूं आपको रॉटवालर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।